साथियों इस तरीके से आप लोगों का पोर्टल खुल जाएगा। तो पोर्टल में पहले आप लोगों को दिखाया जाता था कि आप डायरेक्ट यहाँ पे जाति आय निवास जो भी है इसको आप भर सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पर दिखा रहा है जाति आय निवास प्रमाण पत्र की सेवाएं आधार ई केवाईसी सत्यापित होने के बाद ही उपलब्ध होगी। अतः आवेदक का आधार नंबर अनिवार्य है। आवेदक की पहचान की जानकारी केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाएगी तथा आवेदक का बायोमेट्रिक्स संग्रहित साझा नहीं किया जाएगा। तो साथियों यहाँ पर जो चीज़ दिखा रहा है इसको आपको अनिवार्य रूप से करना होगा। तो आप जो भी फॉर्म लेंगे उसके लिए आपको कस्टमर का आधार कार्ड लेना ज़रूरी है। तो चलिए अभी एक हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पे आय प्रमाण पत्र भरना है तो यहाँ पर आय पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आधार नंबर मांग रहा है तो हम अपना आधार नंबर दे रहे हैं। यह आधार नंबर हो गया। इसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी कोड जो कैप्चा कोड मांग रहा है उसको हम फिलअप कर देंगे। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर टिक मार्क करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लगा हुआ आधार कार्ड से वहाँ पर आपको एक OTP मिल जाएगी। उस OTP को हमें यहाँ पर फिलअप कर देना है। इस तरीके से फिर हम यहाँ पर सबमिट करेंगे तो आपका ये फॉर्म खुल जाएगा। इस तरीके से आप इसको भरेंगे। यहाँ पर जो आधार कार्ड में आपका नाम है वो लिख करके आ जाएगा। इसके बाद आपके पिता का नाम, पति का नाम, संरक्षक जो भी है उसको भरना होगा, माता का नाम, ये सब भरना है। इसके बाद पता भरना है, तहसील ग्राम जो भी है उसको भरना है, मोबाइल नंबर आपको डालना है। यहाँ पर एक चीज़ नया आ रहा है कि आपका जो राशन कार्ड नंबर है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर लिख करके आ जा रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों को फॉर्म भरना है। तो ये हमारी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे की नई जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली जो भी अच्छी जानकारियाँ होंगी आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहेगी। धन्यवाद।